बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ बेटा मैम शाज़िया कौसर, आज एक नए लेसन के साथ किंगवे स्कूल की तरफ से हाज़िर हो चुकी हूँ। जी बेटा, पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आज कौन सा दिन है और आज क्या तारीख है। जो वालदैन अभी तक राउंड नंबर 5 का सिलेबस स्कूल से नहीं लेकर गए, उनसे गुजारिश है वो स्कूल तशरीफ़ लाएँ और राउंड नंबर 5 का काम स्कूल से हासिल करें। जी बेटा, आज जुमेरात का दिन है और आज तारीख़ है 16 जुलाई 2020। हमने आज पढ़ना है सफ़ा नंबर 15 से हरफ हे और खे का तारुफ, और इस तरह हमारे जीम के दोस्त भी मुकम्मल हो जाएंगे। यह है बेटा हरफ हे। हरफ हे, हे है खाली, हे कहता है ह, हे ह हौस, हे ह हौस पानी का है हौस, हे ह हाफिज, हे ह हाफिज कुरान पढ़ रहा है हाफिज, हे ह हजाम बाल काट रहा है हजाम, हे ह हलवा मीठा मीठा हलवा। यह है बेटा हरफ खे। खे के ऊपर लगता है एक नुक्ता और इसकी आवाज़ होती है ख। खे ख खैमा, खे ख खैमा रहने का है खैमा, रहने वाला खैमा। खे ख ख्वाब मीठे मीठे ख्वाब, खे ख ख्वाब मीठे मीठे ख्वाब। खे ख ख़त कहाँ से आया ख़त, खे ख खरबूज़ा पीला है खरबूज़ा। अब बेटा हम हरफ जीम का दोबारा से देख लेते हैं हरफ जीम को लिखने का तरीका, ठीक है। आज हम जीम चे हे और खे को दोबारा से देखेंगे और इस तरह हमारे जीम के दोस्त भी मुकम्मल हो जाएंगे। जीम का बेटा एक नुक्ता होता है जो इसके पेट में लगता है, जीम की आवाज़ होती है ज। चे के बेटा तीन नुक्ते होते हैं जो इसके पेट में लगते हैं, ठीक है, और इसकी आवाज़ होती है च। आज हमारा सबक है हे और खे, ठीक है। हे और खे से बनने वाली चीज़ें हम सीख चुके हैं, अब हम इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। यह है बेटा हे। हे की आवाज़ ह होती है और इसकी इसका कोई नुक्ता नहीं होता, ठीक है। और यह है बेटा हरफ खे। खे के ऊपर लगता है एक नुक्ता और इसकी आवाज़ होती है ख, ठीक है। इसको भी लिखने का तरीका ऐसे ही है जैसे जीम चे हे आपने सीखा। अब बेटा आपने ज़हनी आजमाइश हल करनी है। पेरेंट्स और ट्यूटर्स बच्चों को इब्तदाई और दरमियानी हरूफ बनाना सिखाएं, दरमियानी हरूफ दरमियान में आने वाले हरूफ लिखना सिखाएं और जीम चे हे खे की मशक करवाएं। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।